हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रमुख फैक्टों के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फैक्ट है कि नर्मदा नदी घाटी के पुरातत्वविद कौन है, कि नर्मदा नदी क्षेत्र के जो उत्खनन करता है तो वो कौन कौन उससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमको मिलते हैं एक HD सांकलिया और दूसरे RB जोशी। ये दो प्रमुख पुरातत्वविद हमको मिलेंगे जिन्होंने कहाँ पर नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में उत्खनन कार्य कराया है मध्य प्रदेश में, HD सांकलिया और RB जोशी। इसी के साथ हम देखें कि और जो साइट हमको मिलती हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि चंबल घाटी, तो चंबल घाटी में किसने पूरा उत्खनन करवाया, तो वो हमको मिलते हैं विष्णु बांकड़कर। ठीक है, HB त्रिवेदी तो ये दो मुख्य पुरातत्वविद हमको चंबल घाटी से संबंधित मिल जाते हैं। तीसरी नदी घाटी जो मुख्य मध्य प्रदेश में है, सोन नदी घाटी, इसमें किसने कराया उत्खनन, तो इसमें आपको निसार अहमद का नाम मिल जाएगा, निसार अहमद। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये प्रमुख पुरातत्वविद जो मध्य प्रदेश में उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें, हमारा दूसरा नेक्स्ट फैक्ट है कि हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को मध्य प्रदेश के किस शहर को उरो येना नाम से उल्लेख किया है, किसने, हेनसांग। हम बात करते हैं हेनसांग की, तो हेनसांग कौन था, तो एक चीनी यात्री। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस शहर का वर्णन किया है, तो ये याद रखना है उज्जैन का, कि उज्जैन को उसने अपनी पुस्तक, किसने, हेनसांग की पुस्तक आपको मिल जाती है CU की, तो इसमें उज्जैन का नाम दिया है, क्या, उरो येना ना। ठीक है, कौन था, तो ये चीनी यात्री है हमारा हेनसांग, और किसके शासनकाल में आया था वो हमसे पूछ लिया जाता है, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्लियर हुआ आपको। ठीक, हेनसांग को कुछ उपाधि भी हम पूछ ली जाती हैं कभी, कि इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, तो ये बात हमको नहीं भूलनी है। इसी के साथ में एक एड ऑन और करना है हमको, कि जो मध्य प्रदेश का खजुराहो है, प्रसिद्ध शहर जो मध्य प्रदेश का खजुराहो है, उसको हेनसांग ने क्या कहा, चीटो। तो ये दो मुख्य शहर हमको मिले, एक उज्जैन, दूसरा खजुराहो, जिसका वर्णन हमको हेनसांग की किताब में मिल जाता है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए
नेक्स्ट की हम बात करें कि मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर, मध्य प्रदेश में मुक्ता हमको कौन कौन से मंदिर निर्मित हुए गुप्त काल में, उन जब हम बात करते हैं तो हमको मिलता है एक मंदिर नचना कोठारा का पार्वती मंदिर। कौन सा मंदिर? पार्वती मंदिर। नाम भी हो गया, किस देवी से संबंधित है हमको वो पता पड़ जाता है। इसी के साथ में हमको ये और याद रखना है कि है कहाँ, तो पन्ना में है। दूसरा मंदिर एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर ये कहाँ पर है? तो सागर। तीसरा मंदिर हमको मिलेगा भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये सतना। और चौथा जो मंदिर हमको मिलता है वो है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये है कटनी में, ठीक। तो मुख्यतः हमको ये गुप्तकालीन मंदिर मिल जाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है कि तुमैन का अभिलेख, तुमैन का अभिलेख का संबंध किस शासक से है? का संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है तुमैन के अभिलेख का संबंध? तो ये हमको मिल जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। हमको इस प्रकार से भी याद रखना है कि अगर कभी वंश से संबंधित क्वेश्चन आए कि तुमैन का अभिलेख किस वंश से संबंधित है तो गुप्त वंश से, और यदि शासक हमसे बात करता है तो कुमारगुप्त, ठीक है। कहाँ पर है तुमैन का अभिलेख मध्य प्रदेश में? तो अशोकनगर जिला हमको याद रखना है कि अशोकनगर में स्थित है। क्या जानकारी हमको मिलती है इसमें? तो एक तो कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी हमको मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें जो राजा होता है उसको शरदकालीन सूर्य की भांति बताते हैं, शरदकालीन सूर्य की भांति होना चाहिए, ठीक है। तो ये राजा की तुलना करते हैं तो उसको जानकारी हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें कि मध्य प्रदेश का दसपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कौन सा? दसपुर क्षेत्र किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? जैसे हम देखते हैं कि मंदसौर के बारे में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं पीएससी में, ठीक है, और भी परीक्षाओं में आपको कई सारे क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं। तो जब हम देखें कि किस वंश से संबंधित है मंदसौर में, तो यहाँ पे एक वंश की स्थापना हुई थी औलीकर वंश। किसकी? औलीकर वंश, ठीक है। हालांकि हम देखें तो मंदसौर में हमको और भी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि हमको मंदसौर का अभिलेख मिलता है तो उसमें भी कुमारगुप्त की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। तो ये गुप्त वंश से भी संबंधित आपको मिल जाएगा। औलीकर वंश क्या है? तो औलीकर के वंश की हमको संस्थापक देखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो संस्थापक मिल जाता है हमको जय
बर्मन, ठीक, जय बर्मन। और इसी की जो राजधानी है वो थी क्या, दसपुर, या उसी को हम क्या बोलते हैं, मंदसौर। ठीक है, ये हमको याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलें हम। तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मेगस्थनीज ने इंडिका में, किसने, मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या है, तो इंडिका में किस नदी को, किसको, नदी को प्रिनास नाम से उल्लेखित किया है, प्रिनास। तो किस नदी को कहा है, तो वो नदी है तमसा नदी, तमसा नदी। ठीक है, कि किस नदी का वर्णन हमको मिल जाता है मेगस्थनीज की बुक में, तो तमसा नदी का वर्णन हमको मिल जाता है। मेगस्थनीज कौन था, तो एक यूनानी राजदूत, किसका, सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो ये किसका दरबार में आया वो हमको एक याद रखना है, साथ ही साथ मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इंडिका हमको याद रखना है, और उसमें मध्य प्रदेश की तमसा नदी का वर्णन इसने किया। चलिए आगे हम बात करें, तो कालिदास की जो रचना है कौन सी, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, किस वंश की जानकारी हमको मिलती है, तो किस वंश की जानकारी मिलेगी, तो इसमें हमको मिलती है शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश की जानकारी। जैसे नाम से हमको दो मिलते हैं कि मालविकाग्नि मित्रम, तो इसमें हमको जो शुंग राजा रहा, अग्निमित्र शुंग, अग्नि मित्र शुंग, और मालवा की राजधानी एक राजकुमारी है मालविका, तो इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हमको इसमें मिल जाती है। अग्निशुंग कहाँ का शासक बताया जाता है, तो वो याद रखना है कि विदिशा, तो वो विदिशा का शासक बताए जाते हैं, ठीक है। तो किसकी जानकारी हमको मिली, शुंग वंश की। कालिदास की यदि हम बात करें, तो कालिदास किस वंश के समय रहे, तो आपको मिलता है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इसके नवरत्नों में शामिल थे। और ये मालविकाग्नि मित्रम जो इनकी रचना है, ये पहली रचना है, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश से ही संबंधित रहे कालिदास, उज्जैन से ये। आगे हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में एक युद्ध मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेवा का युद्ध, रेवा का युद्ध। ये किस किसके बीच में हुआ है, तो मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध, या इसको हम दूसरा नाम देखें तो नर्मदा नदी का युद्ध, किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ
हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बीच, ठीक है, ये हमको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नर्मदा का युद्ध या रेवा का युद्ध। ठीक, तो इसमें जीता कौन? तो जीता था पुलकेशिन द्वितीय, ये हमको याद रखना है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जीता था। हर्षवर्धन की वंश की जानकारी यदि देखो तो हर्षवर्धन वंश का था, और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो वो चालुक्य। ठीक, इन दोनों का वंश हमको याद रखना है, किस वंश से संबंधित ये दोनों थे, और नर्मदा नदी पे इनका युद्ध हुआ। अगला फैक्ट है हमारा, अरबी यात्री सुलेमान, कौन? सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के समय की? मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के समय? तो किस शासक के समय हुई थी, किस शासन काल में आया था, ये भी आपसे सीधा पूछा जाता है, कौन? सुलेमान। तो ये हुई थी मिहिर भोज के समय, मिहिर भोज, क्योंकि जब हम देखते हैं अभी पीएससी के जो लास्ट क्वेश्चन आए इतिहास से संबंधित, उसमें साक्ष्यों से संबंधित जानकारी हमसे ज़्यादा पूछी जा रही है, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे फिर वो किसी की लिखी हुई पुस्तक हो, किसी का यात्रा वृत्तांत हो, कि उसमें किसकी जानकारी मिलती है, किसी, हो सकता है कि आपसे मंदिर की जानकारी मिलती है, मध्य प्रदेश से संबंधित किसी शहर की जानकारी मिलती है, किसी राजा की जानकारी मिलती है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सुलेमान ने मिहिर भोज के समय आया था, और मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? तो ये गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश से। ठीक, यदि क्वेश्चन शासक ना पूछ के आपसे वंश पूछा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय ये मध्य प्रदेश की यात्रा पे आया। मिहिर भोज की जानकारी हमको और कहाँ से मिलती है? तो एक सागर ताल अभिलेख है, सागर ताल अभिलेख, ये कहाँ पर मिलेगा हमको? तो ये हमको मिलेगा ग्वालियर में, ग्वालियर, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट, अमरकंटक का कर्ण मंदिर, कहाँ का? अमरकंटक का कर्ण मंदिर किसने बनवाया था? एक तो हमको ये याद रखना है कि कर्ण मंदिर कहाँ पे मिलेगा, तो अमरकंटक में। दूसरा हमको ये पता करना है कि किसने बनवाया, तो इसको बनवाया था लक्ष्मी कर्ण, लक्ष्मी कर्ण ने। लक्ष्मी कर्ण किस वंश से है? तो ये कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी वंश। ठीक है, इसकी जानकारी हमको और कहाँ मिल जाती है? तो इसने याद रखना है कि कलिंग विजय की थी, कि क्या? कलिंग विजय, कलिंग विजय का वर्णन देखो हमको एक अशोक का मिलता है और फिर लक्ष्मी कर्ण का। तो इसकी एक उपाधि यहाँ से इसने ली थी, तिरिक सिंगापति, तिरिक सिंगापति, ये इसकी उपाधि हमको मिल जाती है। तीसरा, इसका संबंध राजा भोज से भी है,
कि राजा भोज पर आक्रमण किया था इसने, जिसमें राजा भोज सहित घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लक्ष्मीकांड को हमको याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? चंदेल वंश का संस्थापक तो कौन है? चंदेल वंश का संस्थापक तो वो हमको मिल जाते हैं नन्नुक। कौन? नन्नुक। ठीक है, नन्नुक ने इसकी स्थापना की थी 9वीं सदी में। जब हम और अधिक बात करते हैं तो इनकी राजधानी का वर्णन हमको कई बार मिलता है कि राजधानी क्या थी, तो महोबा कालिंजर मिलेगी, खजुराहो भी हमको मिलती हैं। तो ये तीन राजधानियां हमको मुख्यतः चंदेल वंश की मिल जाएंगी। ठीक है, एक और आपको कहा जाता है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति, तो जेजाक भुक्ति के चंदेल इस प्रकार से आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चंदेल वंश का संबंध है कहाँ से? देखो तो आपको खजुराहो में आपको कई सारे मंदिर मिलते हैं जो चंदेल वंश के समय बने मुख्यतः। चलिए नेक्स्ट, हमारी जो फैक्ट है वो है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण हैं? बोधि वंश के प्रमाण कहाँ पर? मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलेंगे? तो वो हमको मिल जाते हैं जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर को पुराना नाम आपको क्या मिल जाता है? त्रिपुरी। तो यहाँ से ही बोधि वंश के प्रमाण हमको मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं। चलिए अगले फैक्ट की बात करें तो बटेश्वर मंदिर समूह कौन सा? बटेश्वर मंदिर समूह ये किस जिले में है? किस जिले में है? तो कई सारे मंदिर आपसे मध्य प्रदेश में पूछे जा रहे हैं, तो ये बटेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, तो ये हमको मिलेंगे मुरैना में। कहाँ पर? मुरैना। तो ये हमको याद रखना है। इसका निर्माण किन्होंने कराया? तो इसके निर्माण करता थे गुर्जर प्रतिहार राजा। तो गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, ये जो जितने भी मंदिर बने हैं ये आपको बलुआ पत्थर से संबंध बने हुए मिलेंगे। कौन से पत्थर से? बलुआ पत्थर। तो ये बलुआ पत्थर हमको याद कभी कभार पूछ लिया जाता है जब हम स्थापत्य की बात करने लगते हैं कि किस प्रकार की चट्टानों से ये बने हैं। चलिए नेक्स्ट, आपसे नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो कुछ स्थान हैं जिनको हम देखते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है। जैसे कि एक हमको मिलेगा आदमगढ़। तो आदमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो होशंगाबाद। और फेमस या हम किस लिए मुख्यतः देखते हैं? तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं हमको मध्य पाषाण काल के। पशुपालन के साक्ष्य कब? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ये हमको याद रखना है।
दूसरा है तेली का मंदिर, तेली का मंदिर ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसलिए क्या विशेषता है इसकी जिसके लिए हम देखते हैं इसको। तो ये है द्रविड़ शैली का मंदिर, किस शैली में, द्रविड़ शैली में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि द्रविड़ शैली मुख्यतः कहाँ पाई जाती है तो हमको दक्षिण भारत का क्षेत्र मिलता है। ठीक, ऊपर हम बात करते हैं उत्तर भारत की ओर, तो उत्तर भारत में हमको नागर शैली मिलेगी, कौन सी, नागर शैली। दक्षिण में हमको मिल जाती है द्रविड़ शैली, और जो मध्य है उसमें हमको बेसर शैली मिलती है, लेकिन तेली का मंदिर ऐसा है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चलिए तीसरी जगह की बात करें, एरन। तो एरन किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए हम उसको पढ़ते हैं, तो देख मुख्यतः जब हम उसको देखते हैं तो हमको एक चीज़ एरन के नाम से याद आती है, सती प्रथा का लेख, कि सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिल जाएंगे हमको, एरन। जगह कहाँ है एरन, तो ये सागर में है। ठीक, इसी के साथ ये ताम्र पाषाण कालीन बस्ती है, ताम्र पाषाण कालीन बस्ती, तो ये हमको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे की हम बात करें, नेक्स्ट है कि किस यात्री ने, ये भी हमसे यात्री से संबंधित फैक्ट है, कि किस यात्री ने इसका खजुराहो का के मंदिरों का उल्लेख किया है, खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किस यात्री ने किया, तो वो हमको जो मिलता है उसका नाम है इब्न बतूता, इब्न बतूता, कि इब्न बतूता ने खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। कौन था इब्न बतूता, तो हमको याद होना चाहिए कि एक मोरक्को निवासी, मोरक्को निवासी था। ठीक है, या अफ्रीका भी आपसे पूछ बोल दिया जाता है कि अफ्रीका। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इसी के साथ किस कहाँ वर्णन किया है, तो इसकी पुस्तक हमको मिल जाएगी जो है रेहला, किताब उल रेहला नाम हमको मिल जाता है, और या रेहला अकेला भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये व्यक्ति आया कब था, तो ये हमको मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत में रहा। ठीक है, बाद में इसको दिल्ली का काजी बना देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ही, किसको, इब्न बतूता को क्या बनाया था, काजी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम बढ़ें, तो वो हमको मिल जाता है कि 1543 में शेर शाह सूरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो कहाँ मिलता है 1543 में हमको शेर शाह सूरी का आक्रमण, वो मिलता है रायसेन के किले पर, रायसेन का किला। ठीक है, जहाँ पर होता क्या है, यहाँ का जो किलेदार रहता है पूरनमल, वहाँ पर उसकी ये कैसे धोखे से हत्या कर देता है, जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हम कलंक के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो कौन था, पूरनमल।
दूसरा अभियान हम मध्य प्रदेश में देखें तो एक 1545 का अभियान मिलता है, कालिंजर का अभियान, शेरशाह सूरी का, जिसमें चंदेल वंश के खिलाफ ये हुआ था। और चंदेल राजा का यदि नाम पूछा जाता है तो याद रखना है कीर्ति सिंह चंदेल, कीर्ति सिंह चंदेल, क्लियर, ये हमको याद रखना है। और इसी आक्रमण में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये भी मुख्यतः हमको याद रख। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो मंदसौर का युद्ध, कौन सा मंदसौर का युद्ध, किसके मध्य हुआ था मंदसौर का युद्ध, कौन सा, तो ये 1535 में, कि 1535 में जो मंदसौर का युद्ध हुआ वो किन शासकों के बीच में हुआ था, तो वो किसके बीच में हुआ, वो हमको मिलेगा हुमायूं और बहादुर शाह, बहादुर शाह के बीच में, ये आपको मिलेगा गुजरात का शासक था, कहाँ का, गुजरात का। और हुमायूं को तो हम जानते हैं कि वो मुगल शासक था, ठीक है, तो इसमें ये गुजरात का जो शासक है हार जाता है और हुमायूं जीतता है, तो यहाँ से ही फिर ये मांडू पर अधिकार हुमायूं का हो जाता है। चलिए अगले फैक्ट की हम बात करें कि 1564 का अकबर का जो गोंडवाना अभियान था, किसका, अकबर का गोंडवाना अभियान, ये किसके विरुद्ध हुआ था, तो किसके अभियान किसके विरुद्ध हुआ, तो वो हमको मिल जाती हैं रानी दुर्गावती, ठीक है, कि रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर का ये अभियान था। और अकबर ने यहाँ पे प्रत्यक्ष, मतलब कहें कि अकबर यहाँ पे नेतृत्व नहीं करता है, यहाँ पे अकबर का एक सेनापति हमको मिलता है जिसका नाम मिलता है आसफ खां, ठीक, आसफ खां, तो आसफ खां के नेतृत्व में अकबर का ये अभियान था, तो इस व्यक्ति का नाम हमको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो अकबर के और अभियान जो मध्य प्रदेश में रहे, तो जैसे एक हमको मिलता है 1561 का मालवा का अभियान, तो ये बाज बहादुर हमको यहाँ पे मिल जाता है, तो बाज बहादुर के खिलाफ हुआ, इसमें भी अकबर का सेनापति दूसरा रहता है, वो है आदम खान, आदम खान, ठीक। और एक अकबर का अभियान मिलता है 1601 में, कौन सा, दक्षिण में जो असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ पर, तो ये एक ऐसा अभियान है जहाँ पे अकबर ने खुद ने नेतृत्व किया था, ठीक है, तो 1601 असीरगढ़ पर। और यही याद रखना है कि अकबर का अंतिम अभियान भी है, कौन सा, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो अंतिम अभियान कहाँ पे मिलेगा, असीरगढ़ के किले पर। चलो नेक्स्ट है कि अकबर से ही संबंधित और दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, इनके कहने पे किसने अपना नाम बदलकर, नाम
बदल कर क्या नाम रख लिया? मोहम्मद अता अली खान। मोहम्मद अता अली खान। तो किस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद अता अली खान बदल दिया था मोहम्मद गौस और अकबर के कहने से? तो ये व्यक्ति हमको मिलते हैं तानसेन। ठीक है कि तानसेन ने अपना नाम, क्योंकि मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु माने जाते हैं और अकबर के नवरत्न ये थे, तो इसीलिए तानसेन ने अपना नाम क्या कर दिया? मोहम्मद अता अली खान। इसी के साथ हम देखते हैं कि तानसेन का मूल नाम कई बार पूछा गया कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तो वो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें कि एक उपन्यास मिलता है मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास, ये इसके रचनाकार कौन है, किसने लिखा है? तो किसने लिखा है वो उपन्यास ये? तो ये इसके नाम हमको मिलेंगे वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, वृंदावन लाल वर्मा। इनकी और रचनाएं भी हमको मिल जाती, जैसे कि अहिल्या बाई, अहिल्या बाई, रानी दुर्गावती, तो इस शीर्षक से भी इनकी रचनाएं हमको मिलती हैं। यदि मृगनयनी की बात करें तो ये कौन थी? तो ये किसका नाम हमको मिलता है? ये मिलेगा जो गुर्जरी, गुजरी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इनका मृगनयनी इनको इन्होंने कहा था। चलिए अगला फैक्ट है कि बाजना मठ का निर्माण किसने कराया? बाजना मठ का निर्माण किसने कराया? तो किस शासक ने बनवाया था बाजना मठ को? तो जब हम देखते हैं तो वो हमको मिलेगा गोंड शासक संग्राम साह। संग्राम साह, ठीक है। बाजना मठ है कहाँ पर? तो बाजना मठ हमको मिल जाएगा जबलपुर में, जबलपुर। ठीक है, कभी प्रश्न पूछता है कि बाजना मठ कहाँ है, तो जबलपुर में है। और किसने इसका निर्माण कराया? तो संग्राम साह। ठीक, क्लियर। आगे यदि हम बात करें कि संग्राम शाह किस वंश से था, तो वो हमको याद रखना है कि गोंड वंश से संबंधित है ये, और इसको ये कहा जाता है कि 52 गढ़ों की इस पे शासन करता था ये 52 गढ़ों पर, तो इसलिए 52 गढ़ाधिपति इसकी एक उपाधि भी है। नेक्स्ट कि किस शासक ने टेहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ किया था? टेहरी का नाम टीकमगढ़ किया, तो किसने? तो शासक का नाम मिलता है विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह, ठीक है, ये आपको 1783 के समय मिलेगा। इसके साथ ये और ऐड कर लेना है कि विक्रमजीत सिंह किस वंश से संबंधित है, तो वो बुंदेला वंश से।
यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस वंश के शासक ने या किस वंश का राज रहा टीकमगढ़ टहरी पर, तो वो बुंदेला वंश। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो हमको मिलता है कि सतखंडा महल का आकार, सतखंडा महल का आकार कैसा है, कि जो सतखंडा महल बना हुआ है वो किस आकार में बना हुआ है। तो सतखंडा महल बना हुआ है स्वास्तिक के आकार का, ठीक है, स्वास्तिक का। ठीक है, स्वास्तिक आकार आप जानते ही हैं कि जो साथिया हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो स्वास्तिक के आकार का बना हुआ था। है कहाँ पर सतखंडा महल, तो दतिया में है, ये हम देख लें। किसने बनवाया, तो वीर सिंह बुंदेला, इसने ये सतखंडा महल बनवाया था। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि किसने निर्माण इसका कराया। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो है कि चंदन कटोरा कहाँ पर है, चंदन कटोरा कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो ये हमको मिल जाता है ओरछा में, चंदन कटोरा। अब नाम से तो लग रहा होगा कि क्या है, तो ओरछा का जो महल है उसमें शाही घराने के लिए ये फाउंटेन है, फव्वारा, जिसको नाम दिया चंदन कटोरा। ठीक है, इसका जो निर्माण कराया, तो निर्माण कराया था राजा इंद्रजीत ने, राजा इंद्रजीत। ठीक, क्लियर, कि ओरछा में आपका मिल जाता है चंदन कटोरा। एक नेक्स्ट है कि किस ऐतिहासिक पुस्तक में, किस में पुस्तक में हमको लिखा मिलता है कि चंदेरी से लगभग 3 करो, तीन करो या 6 मील, ठीक है, की दूरी पर एक नदी बेतवा है, ठीक है, कि चंदेरी से लगभग 3 करो या 6 मील दूर एक नदी बेतवा है, ये किस पुस्तक में हमको मिलता है, वो पुस्तक है बाबरनामा। क्या, बाबरनामा, ये किसने लिखी है, तो ये बाबर की आत्मकथा है। तो आप जब देखते हैं कि बाबर ने भारत की प्रकृति का कई प्रकार से वर्णन किया हुआ है इसमें, ठीक है, और प्रमुख प्रमुख उस समय जो शासक रहे उनका वर्णन भी मिल जाता है। ठीक, तो ये हमको मिल जाए, तो यदि एक चीज ऐसी आ जाती है कि चंदेरी का वर्णन, तो वो भी बाबरनामा में हमको मिल जाता है। क्लियर हुआ, और ये जो कुरो है तो दूरी का एक नापने का मात्रक था उस समय। चलिए, एक हमारा जो लास्ट फैक्ट है उसकी हम बात करें कि मिंटो हॉल का नाम बदलकर, मिंटो हॉल का
नाम बदल कर क्या किया है? मिंटो हॉल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो आज हम मिंटो हॉल को जानते हैं कुशा भाऊ ठाकरे हॉल, कुशा भाऊ ठाकरे हॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये मिंटो हॉल? तो भोपाल में है। ठीक है, क्या है मिंटो हॉल या कुशा भाऊ ठाकरे हॉल? तो ये पुराना विधानसभा भवन है हमारा। कौन सा? पुराना विधानसभा भवन, जो जिसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार का नाम हमको मिल जाता है एसी रॉबिन। एसी रॉबिन, ठीक है। और ये जो मिंटो हॉल बनाया गया था किसके काल में बनवाया गया था? तो वो शाहजहां बेगम, इनका नाम याद रखना है, शाहजहां बेगम के शासन काल में ये बनवाया गया था 1919 में। ठीक है, शाहजहां बेगम कौन थी? तो भोपाल की नवाब थी उस समय। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये थे हमारे इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित मुख्य फैक्ट। इसी तरह के और फैक्टों के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। थैंक यू।